ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯੂਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਕਾਲਜ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ LIAB ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲੱਸ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਅਮਿਤ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੜਾ ਹੌਟ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? देखिए अमन जी, यूके का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। यूके गवर्नमेंट को ज़रूरत है, ठीक है, माइग्रेंट्स भरने की, इसलिए वो वीज़ा दे रहे हैं। ठीक है, बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि यूके उनके लिए सही ऑप्शन है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी टेम्पटेशन है ईजी वीज़ा की कि फ़ौरन में सिर्फ जाना एंटर करना है, इससे आगे भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत से अच्छे बच्चे हैं जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, रिसेंट पास आउट हैं, ठीक है, जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ पीआर भी लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो बड़ा सोच समझ के कंट्री चूज़ करने की ज़रूरत है। एक टेम्पटेशन में कि वीज़ा आसान हुए हैं तो चलो यूके चलते हैं, उस सोच के साथ वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। कि गलों से तुम्हें लगता भी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए जो अज नहीं हो रहा या लगता भी इतने कमी है? देखिए मन जी, यूके के वीज़ा पहले भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खुले थे, 2009 सेम ही सिस्टम सी, ठीक है, बहुत लोग गए थे। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो एप्लीकेंट्स हैं बहुत समझदार हैं, बहुत से एप्लीकेंट सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं कि पहले भी यूके ने वीज़ा दिए थे, बच्चे वहाँ पर गए थे, 80-90% बच्चे सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वापस ही आए थे। ठीक है, ये फैक्टर बहुत लोगों के ध्यान में है। बहुत से समझदार जो अच्छे प्रोफाइल के एप्लीकेंट्स हैं वो यूके अभी भी चूज़ नहीं कर रहे हैं। पर हुण जिवें यूके ने वर्क परमिट भी अनाउंस करता प्लस स्पाउस नू लैके या विदाउट आइल्स नू लैके भी थोड़े फ्लैक्सीबिलिटी दिखा रहे हैं, उस चीज़ नू किवें देखते हैं? देखो, ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। जो लोग बाहर जाकर वर्क एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है पीआर लेने की, लंबा प्रोसेस है, 5 साल वहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, बट स्टिल पॉसिबल। और ये जो प्रोफाइल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्रीज़ को जो है उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते हैं, ये लोग यूके को प्रेफर कर रहे हैं और उनके लिए बेनिफिशियल भी है। मतलब एक एप्लीकेंट को असेसमेंट करनी चाहिए, सारी कंट्रीज जो है कंपेयर करनी चाहिए किस में ज़्यादा बेनिफिट है, फैक्टर्स ध्यान में रखना चाहिए, वीज़ा सक्सेस रेट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स क्या हैं, उसके बाद आपको पीआर के क्या चांसेस हैं, इस तरह के सारे बेनिफिट्स को कंपेयर करके फिर एक कंट्री चूज करनी चाहिए। जी, जेडे यूके जाना चाहते हैं, मैं उन्होंने लिए सवाल करना चाहना, सिलेक्शन होंगी है जो इंस्टीट्यूट की जो पढ़ाई का अदारा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, की रहना चाहिए? इस समय में जी वीज़ा जो खुले हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए खुले हैं, यूनिवर्सिटी ही चूज़ करनी चाहिए। लेकिन इस समय जो माहौल है, इस समय माहौल ये हो रहा है कि आजो आजो वीज़ा लग रहे हैं, आजो चढ़ जाओ, बस चढ़ जाओ। और बाकी वीज़ा जिम्मे सुनन चाह रहे हैं भी 100% लग रहे हैं, इदा दा भी जो लग रहा है फाइल रिजेक्शन नहीं है? देखिए 95% है, ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल नहीं आ रही है, बट 95% वीज़ा सक्सेस। हाँ, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को ज़रूरत है माइग्रेंट्स की, उन्होंने कंट्री में माइग्रेंट्स भरने हैं, अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने वीज़ा खोले हैं, तो हमें भी अपने प्रोफाइल को देखना है कि क्या हमारे लिए यूके बेटर है या नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है। हुण जे असी सक्सेस की गल करते हो तो 95 है, जाना भी यूनिवर्सिटी के विच है, बट पॉजिटिव प्रोफाइल्स फॉर यूके किहड़ियां ने? सर देखिए, यूके में यूनिवर्सिटीज़ को पावर दे रखी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है 2014 पास आउट बच्चे को भी ले रही है, जिसने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर वगैरह के डिप्लोमा के सर्टिफिकेट बना रखे हैं या वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, या आइल्स नहीं किया है,
इंग्लिश के बेसिस पे जो 60 नंबर अगर इंग्लिश में है प्लस टू में, उनको भी वीज़ा मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह के वीक प्रोफाइल्स को भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ उठा रही हैं, अच्छे प्रोफाइल्स तो डेफिनेटली जा ही रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह के प्रोफाइल के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 10 साल तक के गैप को भी एक्सेप्ट कर रही हैं, किसी का 10 साल का गैप है, उसने कोई जॉब वगैरह की है, यूनिवर्सिटीज़ उसको भी एक्सेप्ट कर रही हैं। तो हर तरह का वीक से वीक प्रोफाइल भी इस समय एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये एप्लीकेंट ने ध्यान में रखना है कि अगर उनका प्लान है लॉन्ग टर्म में सेटल होना है किसी कंट्री में, पीआर लेनी है, तो सोच समझ के डिसीजन ले। बिकॉज यूके में क्या हुआ था, जब 2009 से 11 के बीच में वीज़ा खुले थे, एप्लीकेंट्स वहाँ पर गए थे, तो बहुत से वहाँ पर कॉलेजेस बंद हो गए थे, बहुत से लोग इल्लीगल हो गए थे। तो यूके गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत बड़ी जो है मुहिम चलाई थी इन इल्लीगल माइग्रेंट्स को पकड़ने के लिए। बसेस के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग स्टिकर्स लगे होते थे, अगर आप इल्लीगल हो कंट्री से चले जाओ, नहीं तो आपको पकड़ के अरेस्ट किया जाएगा, डिटेंशन में डाला जाएगा, और बहुत से बच्चों को पकड़ के डिटेंशन में डाला भी गया। तो 80-90% बच्चा वापस आ भी गया है। कुछ लोग जेन्युइन तरीके से पीआर भी हुए हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो यूके सिटीजन से शादी करके पक्के हुए, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को अपना प्रोफाइल अच्छी तरह से असेस करके जो अच्छी कंट्री है जहाँ पर उनका फ्यूचर सिक्योर है उसको भी कंसिडर करना चाहिए, साथ के साथ आप यूके को भी कंसीडर कर सकते हैं। विदाउट आयल्स यूके नू लेके सवाल करना चाहना, बच्चे काफ़ी पूछ रहे सीगे भी वो भी सवाल किया जाए, विदाउट आयल टेस्ट जेड़ा यूके वीज़ा दे रहे हैं की शर्तें नहीं होती हैं? सर देखिए, विदाउट आयल्स इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दिया जा रहा है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बच्चे जाना चाहते हैं बैचलर डिग्री के लिए, प्लस टू में मिनिमम 60 मार्क्स उनके होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी बोर्ड से उन्होंने स्टडी की है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि बच्चे ने CBSE या ICSE से की हो प्लस टू, कुछ यूनिवर्सिटी हर बोर्ड को एक्सेप्ट कर रही है। सिमिलरली जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, अगर उन्होंने इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन की है तो यूनिवर्सिटीज़ इनको एक्सेप्ट कर रही है जी। सो यूनिवर्सिटी दे विच विदाउट आयल्स जे 60% नंबर थोड़े प्लस टू दे विच हैगे ने या उस तो अबव ने तां कंसीडर किया जा सकता है, यूके तुसी जा सकते हो बट यूनिवर्सिटी दी सिलेक्शन करके ही जाए। जिवें अमित जी ने कहा होर यूनिवर्सिटीज़ नूं भी नाल कंसीडर जरूर करियो, कोई भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ के लियो, क्योंकि यह थोड़े फ्यूचर का सवाल है, थोड़ा सारा फ्यूचर ये खड़े है थोड़े एक फैसले पर, वो कला थोड़ा नहीं, थोड़े नाल थोड़ी फैमिली का भी फ्यूचर जुड़िया होंगे। सो बहुत सोच समझ के लैन वाली चीज़ा ने यह फैसले। तुसी कोई भी जानकारी चाहते हो, एक्सपर्ट तो हैल्प चाहते हो, इन्हें नंबर पर कॉल करके एक्सपर्ट यूके संबंधी भी लै सकते हो। जिवें मैं इंट्रो दे विच भी दस्या, वैसे तो ऑलमोस्ट साढ़े सारे दर्शक जिहड़े ने जानते हैं भी मारा लॉयर ते LIA आप अमित भारद्वाज जी ने। मैं न्यूजीलैंड की गल करना चाहना क्योंकि लास्ट एक केस सीगा जिहड़ा डिस्कस कर रहे सी असी ऑफ द रिकॉर्ड, एक पार्टनर वीज़ा जो कि पहले रिफ्यूज़ कर दिता गया सी, बट अमित जी जदों उस केस नूं लिया सीगे ये कह रहे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट सीगा भी इहनूं मिलना चाहीदा ये जेन्युइन है, बट एम्बैसी ने उह रिजैक्ट किया किसी कारण करके। एक एज ए LIA एक वकील के तौर पर उस डिसीजन नू चैलेंज करके द्वारा वह वीज़ा भी लिया गया। मैं थोड़ा जहा केस बारे भी जानना चाहूँगा ताकि की सीगा एक्चुअल दे विच थोनू क्यों लग्या भी इन चैलेंज करना चाहिए, वह सारा की प्रोसैस होया ताकि पता लगे भी LIA का एक्चुअल फायदा बेनीफिट की होंगे ने। सर देखिए, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीज़ा को लेकर काफ़ी स्टिक चल रही है समय, ठीक है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का मानना है कि जो विजिटर वीज़ा पर पार्टनर न्यूजीलैंड जाएगा उसको वर्किंग राइट्स नहीं है, तो वो वहाँ जाकर एक साल क्या करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, ये उनका मेन कंसर्न है। तो इस चीज़ को लेके वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मैंने एक स्टूडेंट भेजी थी न्यूजीलैंड, ठीक है, तो उसके हस्बैंड का नितिन शर्मा का मैंने जो है वीज़ा अप्लाई किया था पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीज़ा। तो इंटरव्यू लेने के बाद एप्लीकेंट का एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था, और रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा कि जी हम रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हैं, आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है, लेकिन आपका इंटरव्यू लेने के बाद आप हमें बोनाफाइड जेन्युइन एप्लीकेंट नहीं लगते हो न्यूजीलैंड एंटर करने के लिए, ठीक है। इस ग्राउंड पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो उसके बाद हमने इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का कंप्लेंट प्रोसेस है। तुसी पहले तो मैं इतनी आना चाहना, जो तो एक होंगे भी रिजेक्शन आ गई एम्बेसी ने डिसीजन देता, मोस्टली अबव 90% कह लिए तो शायद गलत नहीं होएगा, चैलेंज नहीं करते, उन्होंने मान के बह जाते भी ठीक है एम्बेसी डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, ठीक है जी उन्होंने नहीं लग्या उन्होंने रिजेक्ट करता, क्यों लग्या भी नहीं इनू चैलेंज करना चाहिए था? सर देखिए, सबसे पहली बात
ये जो वीज़ा है पार्टनरशिप बेस्ड विजिटर वीज़ा है, इसका जो मेन असेसमेंट क्राइटेरिया रहता है वो रहता है रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है। जी, रिफ्यूजल लेटर में साफ लिखा है कि ये जेन्युइन रिलेशनशिप है भी ओचे असी थोड़े नाल नहीं कर दे भी हां तोड़ा रिलेशन जेन्युइन है। हां, बोनाफाइड पे डिक्लाइन कर दिया, और बोनाफाइड में मींस इंटरव्यू के दौरान एप्लीकेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं बोली कि मैं वहां जाके काम करूंगा, ओवरस्टे करूंगा, तो ऐसा कोई मुझे जेन्युइन रीजन लगा नहीं कि इसका वीजा डिक्लाइन होना चाहिए, और ये मेन क्राइटेरिया मीट करता था जेन्युइन रिलेशनशिप का। तो मैंने इसकी कंप्लेंट लॉन्च की इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये कंप्लेंट वेलिंगटन ऑफिस में से मिस्टर जो है, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऑपरेशन मैनेजर जो है, उन्होंने उसको ध्यान से कंसीडर किया और उन्होंने रिव्यू करके लिखा कि ये गलत डिसीज़न हुआ है, इस एप्लीकेंट का जो जो फाइल है वो असेस होनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ज़्यादा वेटेज बोनाफाइड को नहीं देनी चाहिए थी, तो हमारी ये रिकमेंडेशन है कि इसको वीज़ा को अप्रूव किया जाए। उसके बाद ये वीज़ा अप्रूव हो गया, जो रिजेक्ट हुआ वीज़ा था पार्टनरशिप एज विस्टर वीज़ा, वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को अप्रूव करना पड़ा। बेसिकली जदों वकील की गल आती है, ये बेनीफिट्स होंगे ने जो बेसिकली एक जे एक हुए, देखो ह्यूमन है, ह्यूमन कई गलतियां भी करते हैं, किसी डिसीजन भी गलत हो जाता, बट उन्होंने चैलेंज वकील ही कर सकेगा, मानते हो? हाँ, जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र जिसे लॉ की नॉलेज है वही इसको जो है अच्छी तरह से समझ कर कंप्लेंट कर पाएगा, और जो स्टूडेंट वीज़ा के अलावा जितने भी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं। सर, ये पिछले ना 10-12 साल तो तकरीबन मैंने भी हो गई शो के आदि डील कर दें, दिस इज़ द फर्स्ट केस जो मैं LIA का सुन रहा भी उन्होंने चैलेंज करके वीज़ा लिया। देखिए, जब मैंने ये वीज़ा अप्रूव किया, जो अपने फैलो एजेंट्स को बताया जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से, वो लोग काफ़ी सरप्राइज हुए क्योंकि सब हिम्मत हार चुके थे, ठीक है, कि इमिग्रेशन न्यूजन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, वीज़ा नहीं दे रही है, तो उनको काफ़ी सरप्राइज हुआ कि आज के समय में कंप्लेंट करके वीज़ा अप्रूव हुआ, तो बहुत बड़ी बात। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट, और जिन्हों का वीज़ा लग गया जी उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारक। हूँ मैं न्यूजीलैंड वाल आना चाहना, न्यूजीलैंड अज प्रेजेंट सनैरियो फॉर द स्टूडेंट किमें चल रहा है? सर देखिए, बहुत बढ़िया चल रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड का थोड़ा सा डिले का इशू था, वो सॉल्व हो चुका है, बहुत फास्ट अप्रूवल्स आ रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन के अंदर डिसीजन आ रहे हैं, और हमने जो पर्सनली फील किया है पिछले एक महीने से, इमिग्रेशन न्यूजन थोड़ी सी मेरी रिलैक्स लगी है, अप्रूवल रेट बढ़ गया है, अभी हमारे 2-3 दिन पहले ही एक दिन में 4 अप्रूवल आए हैं, इंटरव्यू बड़े ईजी लिए गए बच्चों के, बेसिक इंटरव्यू लिए गए 5-5, 7-7, 8-8 मिनट के, उसके डिसीजन आ गए हैं। बहुत से मेरे ऐसे बच्चे थे जिनका बहुत वीक प्रोफाइल था, 2014 पास आउट बच्चा, उसके बाद बैचलर डिग्री 2016 में छोड़ दी, 15 बार आयल्स या PT का एग्ज़ाम दिया, इस तरह के बच्चों के वीज़ा लगे हैं, उन्होंने इंटू ठीक दे दिया। अभी रिसेंटली एक बच्चे का, गुरपिंदर सिंह का वीज़ा लगा है, पंजाब से बिलोंग करता है, उसका पहले 2 बार न्यूजीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ था आज से 3-4-5 साल पहले। पहले उसका वीज़ा रिफ्यूज़ था, उसको एक बहुत ही फेमस एजेंट ने, हमारे पंजाब के बड़े फेमस एजेंट हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने उन्हें डेयरी फार्मिंग का कोर्स दिया था, पैकेज किया था जो भी है, वो इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज़ हो गया था। फिर उसके बाद दूसरा एक महान एजेंट है, उन्होंने उसको कुकरी का कोर्स दिया था, वो भी इंटरव्यू की वजह से, एक्सपेरिमेंट सारे हुए, सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो मेरे पास शो देख कर आया था ये देश प्रदेश का, उसने इन द मेन टाइम जो उसका डिक्लाइन हो गए, उससे पहले डिप्लोमा IT किया हुआ था, IT वाले नु डायरी देता फिर कुकरी देता फिर कुकरी दिया, वेरी गुड, ये एलिमेंट्स बनदी मेरे ख्याल सारे नु पता होना। तो ये बात है 2013-14-15 के आसपास की, ठीक है, वो बड़ा डिप्रेस था, फिर उसने बैचलर डिग्री IT की कंप्लीट कर ली थी इन द मेन टाइम, तो उसका प्रोफाइल में बहुत गैप था, तो बड़ा उसका टफ इंटरव्यू हुआ एम्बेसी से, उसका वीज़ा आ गया। तुसी केड़े कोर्स पाया सी? ग्रेजुएट डिप्लोमा इन IT, रेलेवेंट फील्ड है। देखिए, जो रिसेंटली बच्चे ने एजुकेशन की है या वर्क एक्सपीरियंस, उससे रेलेवेंट ही कोर्स बनता है। ਇਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ IT ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਸੀਕਰੇਟ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਸੀਕਰੇਟ ਰੈਸਿਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਐਸੇ ਹੋਪਲੈਸ ਕੇਸਿਸ, टफ केसेस, जिनका गैप है, एजुकेशन में गैप है, परसेंटेज कम है, जिनको इंग्लिश बोलना भी कम आता है, ऐसे केसेस के ऊपर हम मेहनत करते हैं, मेहनत कराते हैं, उनके प्रोफाइल के हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं, हम उनको बताते हैं, उनको बच्चों को गाइड करते हैं, यहाँ पे आप रिसर्च करो,
जब वीज़ा ऑफिसर को भी एक जेन्युइननेस छलकती है इंटरव्यू में, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर्स को इतना एक्सपीरियंस है, वो बोलते हैं जो रटे रटाए आंसर होते हैं उनको बोलते हैं स्क्रिप्टेड आंसर्स, स्क्रिप्टेड आंसर्स के ऊपर अप्रूवल रेट ज़्यादा नहीं होता। तो एक नेचुरल तरीके से तैयारी कराना, ये हमारी कंपनी की सीक्रेट रेसिपी है। अब ऐसे ऐसे केसेस से पंजाब के एजेंट मुंह मांगे पैसे लेते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं, हम क्या लेते हैं 15,000 रुपए या 20,000 रुपए, दैट्स इट। वो आफ्टर वीजा, वो भी आफ्टर वीजा, आफ्टर वीजा जो वीजा लग गया, वो भी वीजा लग गया। जिसमें तुम लाइसेंस इमीग्रेशन एडवाइजर हो या मारा लॉयर हो, हाँ जी, कई बार देखने के आया जे आम एजेंट ए पोस्ट जिन्हें को नहीं है या ए जी ऑथेंटिसिटी उन्होंने को नहीं है, इस नाम से भी बड़े बड़े पैसे लै लेंगे। हाँ जी, भी आडे तो पैसे फलाने पैसे लगने हैं जी, थोड़ा केस एल आई ए तो करवावे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का केस मारा लॉयर तो करवावे, इन्ने थोड़े पैसे अलग तो लगन गए, तुम होंगे हुए भी नहीं लेंगे, बाकी वो जोड़े पैसे ने उदे नाम तो ले जाते हैं, वो नजायज़। सर देखिए बिल्कुल नजायज़ है, अभी कस्टमर्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब टीवी शो पे मैं कितने शो कर चुका हूँ, स्टूडेंट वीज़ा में एजेंट को कॉलेज से कमीशन मिलती है, हमें भी कमीशन मिलती है, इसलिए हम ज़्यादा पैसे नहीं लेते, रीजनेबल 15-20 हज़ार रुपये जो हमने मेहनत की है, इंटरव्यू की तैयारी कराई है, उसके लिए हम चार्ज करते हैं। जब हम पार्टनरशिप बेस्ड विस्टर वीज़ा एप्लीकेशन या वर्क वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, जनरली एवरेज 50,000 रुपीज़ के आसपास हम चार्ज करते हैं, वो भी दो इंस्टॉलमेंट्स में, आधी पहले आधी बाद में। बहुत से एजेंट हैं पंजाब में जो अनलाइसेंस्ड हैं, वो इस तरह की पार्टनरशिप बेस्ड एप्लीकेशंस एजेंट्स को रेफ़र करते हैं, ठीक है, और अपने क्लाइंट से अलग से पैसे चार्ज करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, दैट कुड बी एनीथिंग। तो क्लाइंट्स को अवेयर होना चाहिए, सिर्फ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र ही है जो विस्टर वीज़ा या वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। IAA.govt.nz इस वेबसाइट पर जाकर आप लाइसेंस एडवाइज़र इंडिया में कौन कौन से आप सर्च कर सकते हो, पंजाब में भी लाइसेंस एडवाइज़र्स हैं, आप 2-4 लाइसेंस एडवाइज़र्स से मिलो जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी सर्विस या नॉलेज आपको अच्छी लगती है, आप उसकी सर्विस अवेल करो। अराउंड 40 के आसपास लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र्स हैं इंडिया में जो हैं, तो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। डायरेक्टली जो लाइसेंस एडवाइज़र्स हैं या हमारा एजेंट्स हैं उनसे मिल के आप अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हो, प्रोसेस करवा सकते हो, रादर देन आप किसी बिचौलियों को फालतू पैसे दो। पर भाजी कई बार होंगे कंपनी वालों लिखा जाता भी लाइसेंस इमीग्रेशन एडवाइजर IAA या मारा लॉयर दैट्स ऑन ओवर पैनल, उदा की मतलब होंगे? सर देखिए ये चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है विदाउट लाइसेंस एडवाइजर या मारा एजेंट जिसके साथ किसी अनलाइसेंस एजेंट का एग्रीमेंट है उसके रिटर्न अप्रूवल के बिना आप नहीं लिख सकते। चलो अप्रूवल भी होए, हूँ एक सपोज मैं वीज़ा लवाना, मैं LIA नूं मिलना या IAA नूं मिलना, मैं डायरेक्ट थोड़ी कंपनी आउंदा तो तुसी मिलदे हो। हाँ जी, मैं किसी की कंपनी जाना उहदे पैनल ते है, मैनूं LIA नहीं मिलिया, उहदा एक्सपीरियंस उहदी काउंसलिंग मैनूं नहीं मिली, तो उहदे पैनल दे होण ते एज अ स्टूडेंट मैनूं की फायदा होया? देखिए बहुत जरूरी है LIA से मिलना, उसकी नॉलेज को शेयर करना, उससे इन्फॉर्मेशन लेना, अपना प्रोफाइल डिस्कस करना, बेसिकली तो बहुत जरूरी है, बेसिकली तो ओदी नॉलेज, ओदा एक्सपीरियंस लेना, ओदे तो काउंसलिंग लेना, वो जरूरी है। हाँ जी, बजाय कि कंपनी दे नाल नाम जुड़िया होना भी ये फलाने नाल LIA जुड़िया होया जी। हाँ, डायरेक्ट LIA से मिलना और उसके किसी एसोसिएट से मिलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो तुसी भी जे LIA लाइसेंस इमीग्रेशन एडवाइजर अमित भारद्वाज जी को मिलना चाहते हो, नाल दे नाल ऑस्ट्रेलिया के भी केसेस करते हैं एज़ अ मारा लॉयर, तुसी मिलना चाहते हो, नंबर नोट कर लो तो कॉल करके इन्हें अपॉइंटमेंट लेके मिलया जा सकता। UK स्टडी वीज़ा संबंधी भी कोई जानकारी है ली जा सकती है। इन्हों वालों कुछ सक्सैस स्टोरीज जड़िया रही ने थोड़े अगे शेयर कर लग गया, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी इन्हों तो सर्विस लै चुके हैं कि उन्हों का एक्सपीरियंस रहा है, आओ मिल के जानते हैं। हैलो एवरीवन, माई नेम इज जसप्रीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम गुरदासपुर एंड टूडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट अ न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट इमीग्रेशन। असल विच मैं अपनी 12वीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो की थी, तो उस तो बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो की विद 75% ऑफ मार्क्स, एंड मैं अपनी फाइल न्यूजीलैंड लाई सी कोई एक एजेंट तो जिड़ी कि रिफ्यूज़ हो गई छोटे जे कारण कारण, बट आफ्टर डैट आई गोट फाइल फ्रॉम एक्सपर्ट इमीग्रेशन, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की फाइल के एंड बिल्कुल करैक्ट डॉक्यूमेंट लाए, एंड उन्हों का जो स्टाफ है वेरी कोऑपरेटिव है, एंड जेडे अमित सर है भारद्वाज सर
ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕੀਆ ਥਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਮੈਨੇ 17 ਮੇਂ ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਆ ਥਾ ਦੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਨ 2018 ਐਂਡ 2019 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਥਾ ਤਬ ਮੁਝੇ ਲਾਈਕ ਕਿਸੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ ਕੌਨ ਸਾ ਏਜੰਟ ਕੇ ਪਾਸ ਲਾਈਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਜੇ ਵੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਜਬ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਸੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸ਼ਿਲਪਾ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਅੰਬਾਲਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੋਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਦ ਇਨ 15 ਡੇਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਗੋਟ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਮੈਟ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਗਾਈਡਿਡ ਮੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਮੀ ਫੋਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਇਨ ਸਟੱਡੀ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੋਰ ਦ ਕੋਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਦੇਰ ਐਂਡ ਗੋਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਦ ਸਟਾਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਦੇ ਗਾਈਡਿਡ ਮੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿਡ ਮੀ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇਅਰ ਆਫਿਸ ਵੰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ My name is Inderjeet Kaur and I have completed my 12th class in 2018 and after that I searched various institutes and I came to know about the expert immigration and I came to know about it on Facebook and I got today my New Zealand visa because of expert immigration and the staff is very helpful and cooperative and their interview preparation is very up to date and advanced Hello everyone mera naam Sarthak hai and maine UK ke liye study visa apply kiya tha from expert immigration and I have got UK study visa within 2 days and maine UK ke liye study visa apply kiya tha without IELTS और मुझे 2 दिन में ही वीज़ा आ गया है 4 साल की मेरी स्टडी है और उसके बाद मेरा 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा है सो इसी जी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया तुसी कोई भी जानकारी ऑस्ट्रेलिया यूके या न्यूजीलैंड संबंधी चाहते हो इन्हां तक अपना राबता कायम किया जा सकता है भाजी कोई खास मैसेज जानते हैं देना चाहो सर मैसेज यही दूंगा बच्चों को अगर आप यूके जाना चाहते हो सही कोर्स सही यूनिवर्सिटी चूज़ करो वो कोर्स चूज़ करो जिसमें आपको इंटर्नशिप मिल रही है यूके में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर डिग्री के साथ या मास्टर डिग्री के साथ 1 साल की इंटर्नशिप दे रही हैं इंटर्नशिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करती हैं जी सो आज दे शो का समय नहीं अलाउ कर रहा है बट भाई शो चाहने लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद सारे दर्शकों का शो नूं इत्थे खत्म कर दें जी दी इजाजत सत श्री अकाल